हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अहमद साहब, वो जो बने टीम में वो साथी जो है ना, हाँ तो उनको मैं लाइन में लिया था, वो अभी कॉल चालू है उनका। हाँ तो उनको क्या डिटेल पूछना सकते आप पूछो मैं कॉल कैंसिल करो। हाँ ठीक है ठीक है, ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और मैं गुजरात से डॉक्टर मुशाहिद बोल रहा हूँ भाई। बोलिए क्या हुआ आपके यहाँ? कुछ हमने कर्नाटक का सुना कि कुछ निजामुद्दीन वाली जमातों को मारा गया, उसको निकाला गया, क्या सही बात है ये? जमात को मारा नहीं गया, जमात गई थी वहाँ पर पनटी को। पनटी एक शहर है, पनटी में जमात पहुँची थी। तो फिर वो पहले लेने से मना किए मस्जिद में। तो फिर वहाँ के अंजुमन ये हमारे वो जमात वाले क्या करे, पठान में जाकर अपने अमाल करने लगे। तो फिर वो वहाँ के अंजुमन वाले, ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल है, आप लोग समझ कीजिए, चार दिन का वक्त दीजिए हमें, चार दिन में मशवरा करके समझाते हैं हम। तो फिर वो पास की एक बस्ती है कुल्लोली, कुल्लोली के अंदर जाकर जमात अपने अमाल में जुड़ी रही। चार दिन के बाद जब इनको पूछा गया तो अंजुमन वाले जिम्मेदार जो है उन्होंने जवाब दिया कि भाई यहाँ मशवरा हो चुका है, आपकी जमातें यहाँ नहीं आ सकते, मस्जिदों में क्याम नहीं हो सकता आप लोगों का, अलबत्त आप चाहे तो दूसरों के घर में क्याम कर सकते। उस हिसाब से एक साथी के घर में, एक साथी थे वो, और उनके घर में क्याम की जमात थी। जमात क्याम करने के बाद में तो दिन भर के अमाल चलते रहे, रात में जब खाना खा के साथी बैठे थे मुजाकिरा करने को, तो उस वक्त में आकर ये 200-250 का मजमा आया और हमला किया। दरवाजा घर बंद था लेकिन दरवाजा वगैरह तोड़कर हमला किया। उनके बचाव में हमारे वो बनटी और रत्ते के साथी जब आए तो उनको मारा गया। वही के साथी, मुकामी साथी है, मुकामी साथी को मारा गया। अच्छा 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 खासा मारा गया उनको, लेकिन वो हमारे साथियों के साथ भी थोड़ा बहुत अखामुखी हुई है और साथी वापिस वहाँ से निकल कर दूसरे बच्चे में चले गए। रात बहुत थी इसलिए वो नहीं आ सके, तकलीफ तो हो रही थी उन्हें। दूसरे दिन आकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होकर एमरजेंसी हो गई है। अब वो पुलिस डिपार्टमेंट वाले आकर जवाब लेकर गए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और डीआईएसपी साहब तो कल आएंगे, आज नहीं है, वो जगह पर नहीं है। यानी काफी मारा गया अपने साथियों को? हाँ मारा गया है। अल्लाह आसान करे यार, बड़ी बड़ा दर्द होता है यार, ये अल्लाह आसान करे। चलो आप जो साथियों को लगा है अगर आपसे मुलाकात हो तो हमारी तरफ से सलाम अर्ज कर देना, बरोबर, और सलीम भाई से हमारा नंबर ले लेना आप, और कभी मौका मिले तो हमको बात करते रहना कि कोई साथी का जिसको लगा है, जो इंजर्ड हुए हैं उनके नंबर वगैरह हो तो भेजना हमको, हम बात तो करें उनसे कम से कम। जी जी जी। आपका क्या नाम हजरत जी? मेरा नाम इलाही बख्श है। इलाही बख्श, इलाही बख्श, माशाल्लाह। मैं डॉक्टर मुशाहिद बोल रहा हूँ गुजरात से। जी जी। तो दुआ करना खास हमारे लिए भी है, अल्लाह इनकी भरपूर मदद फरमावे, इनके अहलो अयाल को सब्र जमील अता फरमावे और इनकी भरपूर मदद करे, खास दुआ करना हमारे। आप अपना नंबर दीजिए। हाँ मेरा नंबर है, ये सलीम भाई से ले ला, सलीम भाई के पास मेरा नंबर है, महफूज है। हाँ आप सलीम भाई से ले लो ने। जी ठीक है।